जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली, कल मैंने एक नोटिफिकेशन के बारे में बात की थी एयरफोर्स के, जो काफ़ी अलग अलग मल्टीटास्किंग स्टाफ की, कलर की, मेस स्टाफ की और स्टोरमैन, स्टोरकीपर, कारपेंटर, दोस्तों काफ़ी सारी पोस्ट हैं, उसके बारे में बात की थी। लेकिन कई लोगों को वो अच्छे से जानकारी, मैंने नोटिफिकेशन दिखा के टोटल वीडियो बनाया, उसमें कुछ चीज़ें फॉर्म कैसे भरना ये नहीं बताया, साथ ही उसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है या किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि उसमें काफ़ी सारी स्टाफ है, जैसे कारपेंटर, क्लर्क, मल्टीटास्किंग का स्टाफ का मतलब वही हो गया, वो कोई भी काम कराने के लिए दे दे, या कुक है, मेस सिपाही, धोबी, लॉन्ड्री मैन, यानी बहुत सारी वैकेंसी है। और ये उन लोगों के लिए जिनकी एज 18 से 25 साल होगी, साथ में इसमें एज में छूट भी दी गई है ओबीसी एससी एसटी को, जैसे 3 साल और 5 साल की। तो दोस्तों आप इसका फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बात करेंगे, और क्या ये वैकेंसी मतलब कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वैकेंसी बिल्कुल सही है, इसकी नोटिफिकेशन भी अभी आई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और इसके एक मंथ के बीच में, मतलब जिस दिन ये नोटिफिकेशन आती है उससे एक मंथ अगले तक आप इसके फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, वो भी ऑफलाइन। दोस्तों उसमें एड्रेस दिया हुआ है, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि मैं उधर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा फॉर्म भरने का, जो पीडीएफ है उसका, और उसमें आप सभी को पता है कि क्या क्या लगेगा फॉर्म भरने में, वो सभी डिटेल दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो इस वैकेंसी में जितनी भी प्रकार की वैकेंसी, इसमें एज आपको पता 18 से 25 साल, साथ में ओबीसी एससी एसटी को मिला के 30 साल तक की एज मिल जाती है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें फॉर्म बहुत कम अप्लाई होते हैं, तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको को लेटर आता है तो इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, नॉर्मल सा पैटर्न होता है। कुछ इसमें जैसे फायरमैन है उसमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, बाकी सब किसी में फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं होती, मतलब फिजिकल कोई भी टेस्ट नहीं होता, केवल एक फायरमैन है उसमें टेस्ट होता है, जिसमें रनिंग भी, वो 63 kg वेट के साथ में आपको 183 मीटर दौड़ना होता है 6 सेकंड में, उस प्रकार से थोड़ा सा लॉन्ग जंप होता है और एक रस्सी पर चढ़ना होता है, ये फायरमैन के लिए। बाकी और किसी भी स्टाफ के लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे टेस्ट है जिनमें आपको कम से कम 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट कोई मान्यता तो प्राप्त प्राइवेट लिमिटेड से होना चाहिए, अगर आप कुक भी हो या किसी भी, अगर आप लॉन्ड्री मैन भी रहे हो तो किसी मान्यता प्राप्त यानी लिमिटेड रजिस्टर्ड, जरूरी नहीं कि कोई बड़ी कंपनी हो, अगर छोटी कंपनी भी है लेकिन वो रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी का आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों ये आसानी से बन जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने ऐसा काम किया तो आप ज़रूर बन जाता है। तो आप इसमें फॉर्म में अप्लाई करके ट्राई जरूर करें, ताकि किसी भी पोस्ट के लिए सबसे पहले फॉर्म में वो लिफाफा आता है, इसमें उसमें पूरी डिटेल दी हुई है नोटिफिकेशन में, लेकिन फिर भी बता दूं मैं कि एक लिफाफा आता है, उस पर ऑफलाइन फॉर्म जो लिखा हुआ उसमें फॉर द पोस्ट और किस पोस्ट के लिए और क्या आपका एज क्राइटेरिया, फिर उसको जो एड्रेस दिया उस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। उसमें आपको 2 एक्स्ट्रा लिफाफे डालने होते हैं, जिसके साइज़ उसमें लिखी हुई उस साइज़ के, 4 आपकी फ़ोटो लगानी होती है, पूरी डिटेल फिल करनी होती है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट, 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें मांगा जिस पोस्ट के लिए, उसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये तो कंपलसरी आपको लगाने, इसके बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड इसमें अप्लाई करना है, और इनकी फ़ोटोकॉपी लगा के फार्म भर के और आपको भेज देना दोस्तों ऑफलाइन, जिसमें एड्रेस दिया हुआ है उस नोटिफिकेशन में आप जाके देख सकते हो, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा आज। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो जाके देख सकते हो, आपको आसानी रहेगी, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को फिर से बताइए, ताकि मैं फिर से आपकी मदद कर सकूं। और इसमें जितनी भी वैकेंसी है उनमें से आप पहले वैकेंसी देख लीजिए किसमें कितनी वैकेंसी है, फिर आपको किसमें जाना है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करना, ताकि आपको फ़ायदा हो सके दोस्तों। पहले सेलेक्टेड वैकेंसी देख लीजिए, आप एक्सपीरियंस है तो जिसमें एक्सपीरियंस, जैसे फायरमैन में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो उसमें आप भर सकते हो, जैसे कोई कलर का है उसमें से बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़, इसमें पोस्टें कम है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 या इस प्रकार से पोस्ट हैं, लेकिन आपको इसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने ही फॉर्म में अप्लाई होते हैं, उतना ही ईजी इसका एग्ज़ाम होता है, और उतने में से ही आपका नंबर बन जाता है, जब किस्मत अच्छी हो ना तब उसमें से ही नंबर बन जाता है, नहीं तो पोस्ट SSC GD में आपको पता है 60,000-70,000 आती है, लेकिन फिर भी लोगों की किस्मत जब ख़राब होते हैं तो नंबर नहीं बन पाता, 85 नंबर ला के भी नंबर नहीं बन पाता। तो इसीलिए आप ज़रूर चांस लीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। वेतन आयोग अगर सैलरी की बात करें तो 18,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, उसके बाद में HRA DA VA जितने मिलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को सभी मिलते हैं दोस्तों। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो उसमें कोई भी मतलब आपको अगर कोई फेक कुछ नहीं है तो आप ज़रूर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन आपका कुछ नहीं जाएगा, 150 रुपये का खर्चा ऑफलाइन का, डाक टिकट विकेट का, तो आप ज़रूर अप्लाई कर दें। अगर आपका कॉलेटर आता है तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और आप पेपर देके अच्छे नंबर ला के लग भी सकते हो। जय हिंद, जय भारत।